गाइज सबसे पहले आप इस तरह आप डॉट बना करके आप एक लाइन ड्रॉ कर लो जैसे कि मैंने किया, और इन सारे डॉट्स को ज्वाइन कर लो। और फिर हम इस लाइन के ऊपर वाले एरिया को थोड़ा स्मज करेंगे। टेबल का बी परफेक्ट, और इसका मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और ब्राउन कलर से मर्ज करेंगे, थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे इसको। अब मैं ये कलर पिक कर रही हूँ और इसी के साथ, इस लाइन के साथ ही मैं मर्ज कर रही हूँ इसको। उससे भी लाइट कलर पिक कर रही हूँ। कुछ शार्प लुक देने के लिए इस तरह से कि ये जो डार्क लाइन है और शार्प दिखे। काजल से ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ। एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ आप देख सकते हो मैं कैसे स्ट्रोक से शेप दे रही हूँ। मैं एक बार में लाइन ड्रॉ नहीं कर रही। अब आपको हाफ ऐसे फिल कर देना है और इसको प्रॉपर ब्लेंड कर दो। ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और एजेस को आप साथ के साथ ब्लेंड करते जाओ सो दैट कहीं भी पैच ना दिखे, नहीं तो काजल बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और पैच क्रिएट कर देता है। इस लाइन को भी आपको थोड़ा सा ब्लेंड करना है। ये पर्पल शेड पिक कर रही हूँ। ये शिमर अप्लाई करूंगी जो कि मैं फिंगर से करूंगी। इनर कॉर्नर पे काजल के पॉइंट को थोड़ा शार्प कर रही हूँ। आपने ऐसी स्ट्रोक लगानी है। क्लाइंट को बोलना है थोड़ा ऊपर देखें, थोड़ा सा ऊपर देखें। हाँ, और आपको स्ट्रोक में ये लाइन ड्रॉ करनी है। ब्रश की बैक साइड से मैं अप्लाई कर रही हूँ वाटर लाइन पे, इससे थोड़ा काम आप फास्ट कर पाओगे। थोड़ी सी काजल मोटी लगाऊंगी। ब्लैक आई शेडो से मैं एजेस को थोड़ा ब्लर कर रही हूँ और स्मजिंग लुक दे रही हूँ। एक जो मैंने पर्पल ऊपर लिया है नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट हम व्हाइट काजल अप्लाई करेंगे। पहले स्ट्रोक ही लगाना चाहिए ऑलवेज़।